दोस्तों, वेलकम टू द भारत टूर सीरीज एपिसोड नंबर 3 ऑन कोरेज नेक्स्ट चैनल। दोस्तों, हम निकल पड़े थे एक ऐसी डेस्टिनेशन की ओर जो अपने इतिहास, कल्चर, सीनिक ब्यूटी, महलों और लेक्स के लिए बेहद मशहूर है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ सिटी ऑफ लेक्स या वेनिस ऑफ द ईस्ट से पहचाना जाने वाला शहर उदयपुर, झीलों का शहर। तो हमारा सफर सुबह 8:30 बजे स्टार्ट हो गया था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि 230 किलोमीटर दूर था केवड़िया से। हमने करीब 4:30 बजे चेक इन किया होटल शालीमार में। यहाँ का स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव है, रूम्स तो बढ़िया थे ही, साथ में यहाँ की चाय भी एक नंबर थी। तो हम बस फ्रेश होके चाय वाय पी के निकल पड़े साइट सीइंग के लिए। लेक पिचोला उदयपुर के बेहद मशहूर झील है। इसके इर्द गिर्द मंदिर, महल, घाट, रेस्टोरेंट सब कुछ है। लेक पिचोला ऑफर समथिंग फॉर एवरीवन। यहाँ बोटिंग का अलग ही आनंद है। यहाँ की शांति और लहरों के बीच तैरता हुआ सुंदर लेक पैलेस, जो कि अब ताज ग्रुप के व्यवस्थापन में हेरिटेज होटल के रूप में खड़ा है, एकदम शानदार लगता है। सिटी पैलेस, जो एक भव्य महल है, बहुत ही शान के साथ अपनी खूबसूरती को बनाए हुए है। इसे हम अंदर से भी एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी ही देर में। लेक पिचोला से सनराइज और सनसेट का अद्वितीय दृश्य देख के हमें पर्यावरण से एक रूप हो जाने का एहसास होता है। Another impressive structure that attracts tourists is the island of Jag Mandir. Jag Mandir का construction महाराणा अमर सिंह ने start किया था और complete किया था महाराणा जगत सिंह ने। तीन चाय गर्मा गर्म कुल्लड़ वाली चाय पीने वाले हैं। अभी 6:30 बज रहे हैं और इतना अंधेरा छाया हुआ है। हम लोग चलते हुए यहाँ पे नटराज करके प्योर वेज का एक बहुत फेमस होटल है, वहाँ पे चल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। सुलभ शौचालय भी था, क्लीन है, फाइनल चीज लेना पड़ता है, क्लीन है। ये खाऊ गली है यहाँ की, जो सिटी पैलेस के एकदम नजदीक है। या सीधा जहाँ रोड जा रहे हैं वहाँ से लेफ्ट ले लेंगे तो सिटी पैलेस का मेन एंट्रेंस है। ये यहाँ का बहुत ही फेमस होटल है। दोस्तों, हमारा दूसरा दिन शुरू हुआ JMB का फेमस कचौरी और पोहा सेंटर में ब्रेकफास्ट करके, जो कि होटल शालीमार से 6-7 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। लाजवाब प्याज कचौरी और पोहा खाके हमारे दिन की शुरुआत तो गजब की हो गई। फिर हम चल पड़े फतेह सागर लेक की सैर करने। उदयपुर 7 झीलों के बीच बसा हुआ एक ऐतिहासिक शहर है। उसमें से मुख्य झीलें हैं फतेह सागर लेक, लेक पिचोला, स्वरूप सागर लेक, रंग सागर और दूध तलाई लेक,
जो कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान NLCP ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट में शामिल है। हमारा अगला स्पॉट था छोटा सा गार्डन जिसमें मैन मेड वॉटरफॉल है। अरावली वाटिका, यहाँ पे कुछ समय व्यतीत करके हम चल पड़े एक ऐसे मशहूर उद्यान की ओर जो कि महाराणा संग्राम सिंह ने राज परिवार की महिलाओं के लिए बनाया था और इसी से उसका नाम रखा गया सहेलियों की बारी। यह भव्य बगीचा देश के सुंदर बगीचों में से एक है। यहाँ के दृश्य बेहद खूबसूरत हैं और बगीचे फव्वारे इस जगह की सुंदरता को चार चांद लगा देते हैं। सहेलियों की बाड़ी के पास है उदयपुर के लोकप्रिय मशहूर पंडित जी की लेमन टी की दुकान और हम ये लेमन टी मिस करें ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। फर्स्ट सिप पे ही आपकी सारी थकान मिट जाएगी, ऐसा जबरदस्त स्वाद है। बिल्कुल 10/10 पॉइंट्स पंडित जी की लेमन टी को। फिर हम पहुंचते हैं द फेमस सिटी पैलेस की भव्यता से परिचित होने। इस पैलेस की भव्यता और दिव्यता देखते हम मंत्रमुग्ध हो गए। सिटी पैलेस के पास वॉकेबल डिस्टेंस पे स्थित है उदयपुर का सबसे बड़ा मंदिर जगदीश टेंपल। यह भगवान जगदीश यानी भगवान विष्णु या कृष्ण की मूर्त है। एक काले शिल्प में बनी सुंदर मूर्ति भगवान का प्रत्यक्ष रूप लगती है और मन में अनन्य साधारण भक्ति की भावना जागृत हो जाती है। इनके वाहन गरुड़ जी की पीतल की आकर्षक मूर्ति भी है। मंदिर से बस 3-4 मिनट वॉकेबल डिस्टेंस पे हम पहुंचे एक और मशहूर जगह पालीवाल रेस्टोरेंट। वहाँ की जो कचौरी है और उसपे जो चटनी डलती है इसका कॉम्बिनेशन मतलब अभी भी वो टेस्ट महसूस होता है। तो
एकदम जबरदस्त टेस्ट था और हमने जहाँ जहाँ पे भी जो भी चीज़ें ट्राई की है सभी लाजवाब थी अभी तक और सबके टेस्ट डिफरेंट थे, दे वर गुड इन देयर ओन वेज। फर्स्ट नंबर हमारे आता है। हाँ, सुबह 7 बजे से बन गई, 2-2.5 बजे खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो 42 साल हो गए हमने देखा। 42 साल। दाल और एक मूंग की दाल और एक बड़ी। हाँ हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया। सबसे फेमस है यहाँ। ये सब एक्सप्लोर करते करते हम पहुँचे लोक कला दालन की। यहाँ यहाँ के लोक नृत्य और कठपुतली के खेलों का आनंद उठाते उठाते हम भी नृत्य के आनंद लेने के साथ शामिल हो गए। अब दिन ढलने लगा था और हम आज के अंतिम स्थान दूध तलाई के पास मंशा पूर्ण करनी माता के दर्शन के लिए रोपवे के लाइन में लग गए। दोस्तों, शालीमार होटल का हमारा बिल हुआ करीब 3,500 रुपए एक दिन का। वहां पे हमारी बात हुई रेस्टोरेंट के ओनर श्री दीपक जैन जी से। बहुत ही खुश मिजाज इंसान है और डाउन टू अर्थ है। 2009 में लगाई थी। अच्छा, पहले ठेला गाड़ी लगाई थी। हाँ। तीन चार साल फिर उसके बाद दुकान। अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट थे जो भी चीजें हमने वहाँ पे ट्राई की और एक दिन की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई। अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया हमारा तो दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी रही। अगर आप उदयपुर जा रहे हो तो डेफिनेटली डू विजिट दिस प्लेस एंड एंजॉय द टेस्टी फूड। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सफर। फिर मिलते हैं ऑन कोरिज नेक्स्ट चैनल हमारे अगले डेस्टिनेशन पे।